ऐशबाग सीतापुर रूट पर रविवार से एक बार फिर रौनक दिखाई देगी। देशव्यापी लॉकडाउन में थमे रेल के पहियों को पटरियों पर दौड़ाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। तकरीबन 11 महीने बाद 7 मार्च से रेलगाड़ी की छुक-छुक और सीटी की जुगलबंदी सुनाई देगी। सवारी गाड़ी का संचालन होने से हजारों मुसाफिरों को आरामदायक सफर की सहूलियत मिल सकेगी। रेलवे की ओर से पहले 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ सीतापुर रूट पर 130 वर्षों तक मुसाफिरों को सुहाना सफर कराने वाली छोटी लाइन की गाड़ियों का संचालन आमान परिवर्तन के चलते 14 मई 2016 को बंद कर दिया गया था। मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होने पर 2.5 साल बाद 9 जनवरी 2019 को यह रूट बड़ी लाइन की गाड़ियों से गुलजार हो गया। इसके बाद कोविड के चलते मार्च 2020 से रेल परिवहन एक बार फिर से ठप कर दिया गया था। अब लखनऊ मौलानी रूट पर रेल संचालन की अनुमति मिल गई है। 7 मार्च से इस रेल खंड पर 2 जोड़ी सवारी गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। लखनऊ जंक्शन से गाड़ी नंबर 05086 सुबह 6:20 बजे मौलानी के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी ऐशबाग, लखनऊ सिटी, डालीगंज, मोहिबुल्लापुर, बक्सी का तालाब, इटौंजा, अटरिया, मनवा, सिधौली, सुरैचा, कमलापुर, बरई, जलालपुर और खैराबाद होते हुए 8:47 बजे सीतापुर पहुंचेगी। सीतापुर से आगे के सफर पर 8:52 पर रवाना होकर दोपहर 12:45 बजे मैलानी पहुंच जाएगी। गाड़ी नंबर 05085 शाम 3 बजे मैलानी से चलकर 5:50 सीतापुर जंक्शन और लखनऊ जंक्शन 8:45 पर पहुंच जाएगी। इसी तरह गाड़ी नंबर 05088 दोपहर 1:45 बजे लखनऊ जंक्शन से चलकर 4:15 पर सीतापुर और 7:50 बजे मैलानी पहुंचेगी। मैलानी से गाड़ी नंबर 05087 सुबह 6:05 बजे चलकर 8:50 बजे सीतापुर और दोपहर 12:10 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। सीतापुर जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक ए के शुक्ला ने बताया, रेल संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।